तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेंजारो वर्सेस मैडमैन में कौन जीतेगा। तो बेंजारो और मैडमैन दोनों ही एक अल्टरनेट बैन है और दोनों की ओरिजिन बहुत दर्दनाक है और बेंजारो की ओरिजिन थोड़ी सी डरावनी भी है और दिखने में तो बेंजारो थोड़ा डरावना भी है और मैडमैन और बेंजारो ही दोनों ही बहुत पावरफुल अल्टरनेट बैन है। तो इसलिए आज का मेन टॉपिक है बेंजारो वर्सेस मैडमैन। तो दोनों की पर्सनालिटी में देखा जाए तो मैडमैन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम जान लेते हैं अगर इन दोनों की कभी बिना ओमनीटेक्स के फाइट होगी तो कौन जीतेगा। बेंजारो एक जॉम्बी है इसलिए उसको ज़्यादा फाइट करते नहीं आता और मैडमैन एक नॉर्मल इंसान है इसलिए अगर उनकी हैंड टू हैंड फाइट होगी तो मैडमैन ही जीतेगा। तो ओमनीटेक्स से देखें तो ओमनीटेक्स तो दोनों के पास हैं लेकिन मैडमैन के पास ज़्यादा पावरफुल ओमनीटेक्स है क्योंकि बेंजारो के पास ओमनीटेक्स है पर वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी मैडमैन की है। जो एलियंस मैडमैन के पास है वो एलियंस बेंजारो के पास नहीं है और भाई बेंजारो का तो टॉयपिक भी डरावना नहीं है तो किस काम का टॉयपिक। पर मैडमैन का टॉयपिक थोड़ा डरावना होगा और जो एलियंस मैडमैन के पास है वो एलियंस बेंजारो के पास नहीं है इसलिए अगर फ्यूचर में इन दोनों की कभी फाइट होती है तो बेंजारो नहीं जीतेगा मैडमैन ही जीतेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा पर एक बात है दोनों ही अपनी जगह में बहुत पावरफुल हैं क्योंकि बेंजारो अपने डायमेंशन में पावरफुल है और मैडमैन अपने डायमेंशन में पावरफुल है और जो इस वीडियो में मैंने बताया है वो ऑफिशियल फॉर्म डांसर नहीं है वो मैंने इन दोनों की पावर्स को देख के ही बताया है। तो अगर आपका फेवरेट मैन इस वीडियो में हार गया है तो गुस्सा बिल्कुल मत होना क्योंकि बेंजारो से ज़्यादा पावरफुल मैडमैन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सो गुड बाय।